अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके सामने दो प्लांट्स हैं और एक का नाम पर्पल हार्ट और दूसरा पेंसिल कैक्टस का प्लांट है। लेकिन आज मैं इनकी केयर के बारे में आपसे कुछ बातें नहीं करने वाली, बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब आप एक से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं किसी पॉट में ग्रो करना चाहें तो उनके लिए किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि उनका नेचर एक हो। मतलब अगर वो सूरज को पसंद करने वाले प्लांट हैं तो सन लविंग प्लांट जो है आप इकट्ठे ग्रो करें। अगर वो शेड में ग्रो होने वाले प्लांट हैं तो ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करें जिनको आप इकट्ठे ग्रो कर सकें। अब जैसे पर्पल हार्ट जो है और पेंसिल कैक्टस, ये दोनों प्लांट सूरज की रोशनी को पसंद करते हैं। अब पर्पल हार्ट के साथ अगर मैं मनी प्लांट को ग्रो करूं तो आपके ख्याल में वो बेहतर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मनी प्लांट जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट जो है नुकसान देती है, और पर्पल हार्ट के खूबसूरत रंग जो हैं सूरज की रोशनी में मज़ीद जो है शार्प होके सामने आते हैं। तो पर्पल हार्ट और मनी प्लांट को तो हम इकट्ठा ग्रो नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसके साथ पेंसिल कैक्टस लगाया तो ये दोनों जो हैं इनकी सूरज की रोशनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक सी हैं, तो इनको हम इकट्ठा ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों को पानी जो है वो भी कम चाहिए, पानी इनको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस वजह से भी ये एक सूटेबल प्लांट्स हैं जो एक साथ ग्रो हो सकते हैं। कलर कंट्रास्ट का आप ख्याल रखें कि अगर आप कंट्रास्ट कलर में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे इनका खूबसूरत कंट्रास्ट है, इसकी ये न्यू ग्रो देखें पेंसिल कैक्टस की कितनी खूबसूरत है, लेकिन मुझे हाइट वाला प्लांट नहीं चाहिए था इस पॉट में तो इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया। और न्यू ग्रोथ का मैं इंतज़ार करूँगी कि जब न्यू ग्रोथ शुरू हो उसके लीव जो हैं वो इतने ही खूबसूरत रंगों में हों। और जो पर्पल हार्ट इसमें मैं लगाऊंगी उसकी भी मैं छोटी छोटी कटिंग्स लगाऊंगी ताकि उसकी भी जो है खूबसूरत रंग जो हैं वो सामने आए। अच्छा, एक चीज़ का तो हमने ये ध्यान रखना है कि सूरज की रोशनी जो है वो प्लांट जो हैं आप जिनको इकट्ठा ग्रो करें वो एक जैसी उनको चाहिए हो। दूसरी चीज़ कि उनकी पानी की ज़रूरत भी एक जैसी हो। जैसे इन दोनों को पानी कम चाहिए। इसके साथ अगर हम पर्पल हार्ट के साथ अगर फ़र्ज़ किया कि हम कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर लें, फ़र्ज़ किया हमने इसके साथ कोई फन ग्रो कर ली, तो वो दोनों जो हैं साथ नहीं चल सकेंगे। वक्ती तौर पे प्लांट बहुत खूबसूरत लगे, प्लांटर जो है बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी क्योंकि आप दोनों प्लांट्स को खुश नहीं रख सकते। प्लांट्स को खुश आप किस तरह रख सकते हैं कि उनको उनकी पसंद की जो है रोशनी दें, उनके पसंद का पानी दें। उस सूरत में आप अपने प्लांट्स को खुश रख सकते हैं। अगर आप एक फन को और पर्पल हार्ट को इकट्ठा ग्रो कर रहे हैं तो आप उन दोनों को सूरज की रोशनी जो उनकी ज़रूरत है दोनों को एक साथ नहीं दे सकते। तो लाजमी बात है कि आप पर्पल हार्ट को सनलाइट के लिए धूप में रखेंगे तो फन ख़राब हो जाएगी, और फन को आप साए में ग्रो करेंगे तो पर्पल हार्ट जो है वो अपना खूबसूरत रंग खो देगा। तो एक ये चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपने सूरज की रोशनी का ख्याल रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि पानी जो है वो उसको एक जैसी रिक्वायरमेंट हो, इन दोनों का वो पानी जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए। शेड में जब आप प्लांट ग्रो करें, कोई कंटेनर ऐसा बनाएं जिसमें ज़्यादा प्लांट लगाएं, तो उसके लिए ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करें जिनको ज़्यादा रोशनी ना चाहिए हो। और उसके अलावा कलर कंट्रास्ट का आप ख्याल रखें। आप एक ही कलर की डिफरेंट टोन यूज़ करके भी खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं। आपकी जो है तखयल पे ये चीज़ें इन्हसार करती हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, सिर्फ आप थोड़ा सा बेसिक नीड्स का प्लांट की ख्याल रखें और आप एक से खूबसूरत प्लांटर जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपने मेरा पेंसिल कैक्टस और कोलांचू का प्लांट भी देखा होगा, और उसमें मैंने कोलांचू जो है उसके जो फ्लावर्स थे और वो पेंसिल कैक्टस का जो कलर था ऊपर, वो दोनों एक दूसरे को खूबसूरती जो है बढ़ा रहे थे।
अगरचे उसको बाद में कुछ प्लांटर को प्रॉब्लम हो गई, लेकिन तकरीबन 1 साल के करीब वो मेरे पास खूबसूरत एक उसका प्लांटर मौजूद रहा। इसी तरह ये अब मैं बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत टाइम तक मेरे पास रहेगा। आपके पास अगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप इकट्ठे जो है ग्रो करके प्लांटर बना सकते हैं, तो उस सूरत में कम स्पेस में आप ज़्यादा प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, जो एक आँखों को आपकी भाएंगे भी, एक आई कैचिंग जो है व्यू जो है आपके गार्डन को देंगे। और आपको जब आप प्लांट से मोहब्बत करते हैं, आपके प्लांट जो हैं वो खूबसूरत नज़र आ रहे हों और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रही हों, तो जो खुशी है वो आपको पता है कि उससे जिसे कहते हैं ना कि शेरों खून बढ़ गया, वो वाला हाल होता है। तो आप ही जो है, या अभी मौसम है, टाइम भी आजकल है, क्योंकि सोशल जो है, जो सोशल कह रही हूँ, जो कोरोना की वजह से हमारा सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ा महदूद हो गई हैं, तो टाइम भी आपके पास है, आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दें। और जैसे मैं जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने लॉन को दे रही हूँ, जो पिछले दिनों बहुत सारी रीजंस की वजह से मैं नहीं दे सकी, तो मैं अपने लॉन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने प्लांट्स को अच्छी सी लुक दे सकें। ये कटिंग्स जो है मैं छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही हूँ, ताकि दोनों प्लांट जो हैं, पेंसिल कैक्टस भी और पर्पल हार्ट भी, साथ साथ ग्रो हों। पर्पल हार्ट जो है और पेंसिल कैक्टस, ये दोनों प्लांट बहुत इजीली प्रॉपेगेट हो जाते हैं, और कटिंग के ज़रिए मैंने तो इनको जब भी ग्रो किया है, किसी भी मौसम में इनकी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ जो है हुई है, और 100% रिज़ल्ट ही मुझे मिला है। दूसरा पॉट जो है जिसमें से मैं ये पर्पल हार्ट के प्लांट कट कर रही हूँ, उस प्लांट की जो है हालत थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि उसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग्स निकाल ली हैं। अगर मेरे पास बड़ा प्लांटर होता तो उसमें मैं दूसरे पॉट में से निकालती और उसी को मैं पूरे प्लांटर को प्लांट्स को इकट्ठा जो है मैं लगा लेती, पेंसिल कैक्टस की कटिंग भी ना करती, और ये वाला भी मेरा पूरा लग जाता और एक भरा हुआ प्लांटर बन जाता। लेकिन पॉट छोटा है तो उसको हमने एडजस्ट करना है, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। लेकिन जो बाकी पॉट बचे हैं उनको भी कुछ ना कुछ शक्ल देनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसमें क्या करना है। इसमें जितनी कटिंग्स लग सकती हैं वो मैं लगाऊंगी, ताकि ये खूब बुशियर से लुक लिए हुए हो। ये देखें कितना खूबसूरत जो है अभी इसकी लुक बन गई है, अगरचे अभी न्यू ग्रोथ इसमें जब शुरू हो जाएगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये दूसरा जो है पर्पल हार्ट का प्लांट, आप इसके शेड देखें कितने खूबसूरत पीकॉक से शेड में आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये प्लांट जो है साए में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसका असल रंग जो है वो ख़त्म होने लगा और ये खूबसूरत से पीकॉक से शेड में आ गया, और इसके लीव्स भी थोड़े छोटे बन गए। और इसको अब मैं ये कर रही हूँ कि ऊपर से इसको मैं सारा कट कर रही हूँ, और इसकी जो, ताकि जो न्यू ग्रोथ निकले वो एक जैसी हाइट पे निकले और एक खूबसूरत सा प्लांटर बनाओ, क्योंकि पर्पल हार्ट जो है बहुत लंबा हो जाए तो मुझे इतना खूबसूरत नहीं लगता। अपनी अपनी पसंद की बात है, बहुत लोगों ने उसको बहुत लंबा जो है उसको हैंगिंग प्लांटर में भी उसको ग्रो किया हुआ है, लेकिन मुझे जो है ये थोड़ा सा बुशियर से लुक लिए हुए नज़र आता है। अगरचे प्लांट की कटिंग वगैरह करते हुए थोड़ा सा एक दिल को कुछ होता है कि भी प्लांट पकड़ के काट दो सारा, लेकिन हार्ट प्रूनिंग या प्रूनिंग किसी भी प्लांट में न्यू जो लीफ निकलते हैं उसके, आपको पता होगा कि कलर्स जो हैं जो दिलकश होते हैं, ज़्यादा दिल खूबसूरती होती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। पर्पल हार्ट की कटिंग भी मैंने प्रोपेगेट कर ली है, और पेंसिल कैक्टस की कटिंग जो हैं उनको भी मैं ग्रो कर लूँगी। पेंसिल कैक्टस की बेशुमार कटिंग्स हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है, इससे आप बेशुमार जो हैं आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। और ये देखें कि प्लांटर की शक्ल जो है बड़ी खूबसूरत सी निकल आई है, और दूसरा पॉट जो है उसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। अभी जो है मैं पेंसिल कैक्टस को नहीं ग्रो कर रही, इसको मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, इसका वो जो ऊपर एक
लेयर सी आ जाती है, उसको मैं आने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद इसको मैं ग्रो करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और ये प्लांटर भी पसंद आया होगा। अगर आपको प्लांटर और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइंदा अगर वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।